तो देखिए, अब अपन देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले लेक्चर में अपन ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट सीरीज के लिए काम आते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस सीरीज के लिए काम आता है। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं, अब हम ले रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कॉइन के क्वेश्चंस में, डाइस के क्वेश्चन में या नेचर किसी चीज़ का हो उसके में काम आते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकरिंग, मतलब किसी भी चीज़ के होने की संभावना, एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। ठीक है, एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। इसमें भी एन सी आर आप पहले सीख चुके हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। बाकी चीज़ें भी इसमें काम आएंगी कि स्टैंडर्ड डिविजन निकालना तो क्या करना है, एन पी क्यू का रूट निकाल दो। एन पी का मतलब मीन होता है, स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर यानी वेरियंस होता है, और वेरियंस निकालना हो तो एन पी क्यू का रूट हटा दो तो वो स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर बन जाएगा। स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेरियंस। बेसिक फॉर्मूला तो आपका यही काम आना है, एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। इसका यूज़ कैसे करेंगे उसे देखते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन एक क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का। फोर कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, चार कॉइन एक साथ उछाले गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड एंड टू टेल्स, कि दो में हेड आ जाए, दो में टेल, चार कॉइन है टोटल। एटलीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू हेड का मतलब दो हेड भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। एटलीस्ट जब लिखा हुआ आ जाए तो आपको ऊपर की ओर बढ़ना है, और ऑलमोस्ट लिखा हुआ आ जाए तो नीचे की ओर। यहाँ एटलीस्ट लिखा है तो टू या टू से ज़्यादा, तो टू थ्री फोर तीनों। एटलीस्ट वन हेड यानी जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो सब अपन इसमें समझने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेटा आपका सेट हुआ कि फोर कॉइन टॉस किए गए तो एन तो हो गए फोर, और हम जानते हैं हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 होते हैं। आप हेड चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी हो गई 1/2, और हेड नहीं है टेल है तो वो आपकी सक्सेस नहीं हुई, या फेलियर हो गया, या अनसक्सेस कह लो, वो आपका आ गया 1/2। अब क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपसे पूछा गया, दो हेड आए और दो टेल आए, ठीक है, तो पी आर एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। आपको दो हेड चाहिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी दो है, तो फोर सी टू। अब इसमें से प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सक्सेस की 1/2 है और फेलियर की भी 1/2 है, और कहता है हेड भी दो हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर टू हो गई, और टेल्स भी टू हैं तो वो भी टू ही बचेगा, फोर में से टू लेस कर दो या डायरेक्ट टू लिख दो, बात एक ही है। तो इस तरह से ये आपका बन गया। तो फोर सी टू की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर ली, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन टू इंटू वन, ये अपन कॉम्बिनेशन के टॉपिक में समझ चुके हैं। 1/2 की पावर टू है स्क्वायर कर दिया इसका, 1/2 की पावर टू है उसका स्क्वायर कर दिया, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3/8। फिर पॉइंट नंबर टू में आपसे पूछा गया एटलीस्ट टू हेड, तो दो हेड भी हो सकते हैं, एटलीस्ट लिखा है ना, तो वहाँ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। तो देखो, पहले मैंने लिया फोर सी टू, फिर मैंने लिया फोर सी थ्री, फिर मैंने लिया फोर सी फोर। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ हाफ हमेशा ही आएगा, यहाँ दो सक्सेस है तो दो फेलियर है, तीन सक्सेस है तो एक फेलियर है, और चार सक्सेस है तो जीरो फेलियर है। ये वैल्यूज अपन ने लिख दी इनकी कैलकुलेशन की, इनकी कैलकुलेशन से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ये बनाना पड़ेगा, फिर ये बनाना पड़ेगा, तो या तो ये होगा प्लस और है ना, और या ये होगा प्लस या ये होगा, भाई या तो दो दो आएंगे या तीन एक आएंगे और या चार जीरो आएंगे, दो से तो ज़्यादा ही आएंगे, एटलीस्ट दो का है तो दो से ज़्यादा आने चाहिए हेड, ये अपन को क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस टाइप की कैलकुलेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, मेन बात है ये इक्वेशन आप सेट कर लो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको उसकी इस चीज़ में करनी पड़ेगी। फिर आपसे थर्ड कंडीशन है पूछा गया एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड है, तो सारे जो आपके चारों कॉइन हैं उन चारों में ही टेल आ जाए, ऐसी तो सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है 16 में से, क्यों, टू की पावर फोर है, चार कॉइन है तो 16 टोटल कंडीशन, उसमें से केवल एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें चारों टेल आए, बाकी सब में कम से कम एक हेड तो आएगा ही आएगा, तो चारों टेल की कंडीशन होगी 1/16।
टोटल में से 1/16 हटा दो, तो बाकी सब में कम से कम एक है, दो है, तीन है, चार है, तो होंगे ही होंगे। तो ये इसका आंसर आ गया 15/16। तो इस तरह से आपको वैरायटी ऑफ थॉट्स रखनी पड़ेगी, कोई जरूरी नहीं एटलीस्ट 1/8 की आप कैलकुलेशन एटलीस्ट 1/8 से ही चल रहे हैं। आप उसको टेल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कि हमें ये पता है चारों टेल आएंगे, ऐसी तो एक ही कंडीशन है, बाकी सब में एक हेड तो हो गई होगा, तो ये वाली कंडीशन हटा दो ना टोटल में से, बाकी सब में हेड तो हो गई होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग लगा के करने पड़ेंगे, इसका अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इसके लिए। 8 कॉइन्स आर थ्रोन सेमल्टेनियसली, अब 4 की जगह मैं 8 कॉइन ले रहा हूँ। फाइंड द चांस ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 6 हेड, नो हेड एंड ऑल हेड। तीन क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए, इन तीनों को अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला गया 8 कॉइन है, तो नंबर ऑफ कॉइन हो गए आपके 8। एटलीस्ट 6 हेड, अब हम जानते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ है, तो ना आने की भी हाफ ही होगी। इक्वेशन फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया, पी आर एन सी आर पी इंटू पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। हमें 8 में से 6 हेड चाहिए एटलीस्ट, यानी 6 से कम नहीं होना चाहिए, 6ों 7ों 8ों चलेंगे। तो या तो हेड 6 बार आएगा, देखो हेड और टेल की पॉसिबिलिटी तो हाफ हाफ होती है, उसमें तो सोचना ही नहीं। एक बार 8C6 लिया, एक बार 8C7 लिया, एक बार 8C8 लिया। अभी 6 हेड भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। 6 हेड आएंगे तो 2 टेल आएंगे, 7 हेड आएंगे तो 1 टेल आएगा, और 8 हेड आएगा तो 0 टेल आएगा। इस तरह से ही आपकी कैलकुलेशन हो गई। इस कैलकुलेशन को अपन ने लिख के अपन ने आंसर निकाल लिया। मुद्दा है ये इक्वेशन सेट करना, उसके बाद सॉल्यूशन करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट केस में नो हेड, हेड आए ही नहीं, यानी 8 में से 0, NCR में 8C0, हेड आए नहीं तो हाफ की पावर 0, और टेल ही आ जाए सारे हाफ की पावर 8। अब 8C0 की वैल्यू जो होती है ना वो 1 होती है। कैसे होती है देखो, ये आपका NCR है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, तो n है 8, 8 में से सक्सेस एक बार भी नहीं मिले और r 0, तो फैक्टोरियल 8, 8 में से 0 गया 8 और 0 ही आई, तो 8 से 8 कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसीलिए तो ये बात आपको याद रखनी है कि 8C0 यानी 0 की कोई भी कंडीशन अगर आप आपकी आ जाए ना, तो फिर आपको उसकी जो आंसर है उसका 1 ही लिखना पड़ेगा। आगे की कैलकुलेशन तो ये है, 1/2 की पावर 0 है, तो जब भी किसी की पावर 0 होती है उसका आंसर भी 1 होता है, और 1/2 की पावर 8 है वो अपन ने सॉल्व कर ली, आंसर आपका आ गया सही है। अब आता है ऑल हेड, यानी 8C8, 8 में से 8ों हेड आ जाएं, यानी 1/2 की पावर 8 और यहाँ 1/2 की पावर 0, क्योंकि n माइनस आर होता है, तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। अब 1/2 की पावर 8 है तो ये आ गया, 1/2 की पावर 0 है तो 1 आ गया, और 8C8 होता है उसकी पावर भी, तो फिर इसका आंसर भी 1 ही आता है। कुल मिला के आपका आंसर ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी ये रहेगी। तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हमारी वर्कशीट का। देयर आर 120 बेड्स इन अ गार्डन एंड 3 सीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर आर सोन इन ईच बेड। ठीक है, 3 टाइप के सीड डाले गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर बींग पिंक की प्रोबेबिलिटी है 0.75 की। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर पिंक फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन ऑफ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहते हैं पिंक फ्लावर होने की पॉसिबिलिटी आप बताइए। तो एन है 128 बेड्स हैं, क्या रही हैं टोटल, उसमें 3 सीड्स डाले गए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.75, इसको 3/4 लिख लो या 0.75 लिख लो एक ही बात है, तो फेलियर यानी 0.25 या 1/4 हो गया। इसका मतलब है कि 4 कंडीशन आपकी हो सकती हैं कि वहाँ पिंक नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, इन सब की पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। तो 0 होने की पॉसिबिलिटी है 3C0P0, यानी पिंक नहीं है, सारी नॉन पिंक है Q3। फिर है 3C1 एक पिंक है, फिर है 3C2 दो पिंक है, फिर है 3C3 तीनों पिंक है। तो जब एक पिंक है तो सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी हो गई 1, तो फेलियर हो गए 2। जब दो पिंक है तो 2 सक्सेस हो गए, 1 फेलियर हो गया, और जब तीनों ही पिंक है तो तीनों ही सक्सेस हो गया, फेलियर 0 हुआ। इन सब कंडीशन को अपन ने यहाँ लिख दिया। देखो पी पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.75 यानी 3/4 है, तो यहाँ 3/4 की पावर लिखिए, पी की जगह सब जगह 3/4 और क्यू की जगह 1/4, और इन्हीं पावर्स का यूज़ करके ये वैल्यू निकाल ली, ये प्रोबेबिलिटी निकली है। अब इन प्रोबेबिलिटी को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, n आपके 128, ये 128 से सबको मल्टीप्लाई किया गया, इससे आपका निकल गया 0 पिंक होंगे, ऐसी जो नंबर है 2 हैं, 1 का 18 है, 2 का 54 है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखे, 0 का 2 है, 1 का 18 है,
टू का 54 है और थ्री का 54 है, कुल मिला के 128 क्यारियाँ रहेंगी और उसमें पिंक 0 होंगी, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, कुल मिला के 128 का डिटेल आपको उसमें निकालना है। सही है, हो गया कैलकुलेट ये।